नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमारी त्वचा काफी ड्राई हो जाती है, जिससे हमारी त्वचा में कई समस्याएं पैदा हो जाती है। त्वचा के इस रूखेपन को ठीक करने के लिए आप अक्सर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि क्रीम ही नहीं बल्कि नाभि पर तेल लगाकर भी आप त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। चलिए आज के इस पैकेज में आपको बताते हैं नाभि पर किस तरह के तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए और उनके क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हो गए हों तो ऐसे में आप अपनी नाभि में रोजाना नीम का तेल लगाएं। इस तेल को लगाने से आपके चेहरे के मुहासे ठीक हो जाएंगे और आपके चेहरे में एक नई चमक देखने को मिलेगी। मौसम में बदलाव की वजह से हमारी त्वचा का निखार बेकार हो जाता है। अपनी त्वचा की रंगत को बरकरार रखने के लिए आप बादाम के तेल को अपनी नाभि में लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे में निखार आएगा। अगर आप फटे होठों से परेशान हैं, तो ऐसे में आप रोजाना अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाएं। इससे आपके होंठ मुलायम हो जाएंगे। नाभि पर ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल मिलाकर लगाने से प्रजनन शक्ति मजबूत होती है। अगर आप सर्दी, खांसी और जुखाम से परेशान हैं, तो ऐसे में रुई में अल्कोहल की कुछ बूंदें लेकर इसे अपनी नाभि पर लगा लीजिए। इससे सर्दी जुखाम आसानी से ठीक हो जाता है। मासिक धर्म में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए एक रुई में दो बूंद ब्रांडी लेकर इसे अपनी नाभि में लगा लीजिए। ऐसा करने से मासिक धर्म में होने वाले दर्द में राहत मिलती है। नाभि में नींबू का रस लगाने से आप अपने चेहरे पर हुए दाग धब्बों से आसानी से छुट्टी पा सकते हैं। गाय के दूध से बने हुए मक्खन का इस्तेमाल अगर आप अपनी नाभि पर करते हैं तो इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और कोमल हो जाएगी। बटर को नाभि पर लगाने से आप आसानी से मुलायम त्वचा पा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने सुंदर त्वचा पाने के कितने आसान तरीके हैं ये। हमारी माँ ने तो महंगे महंगे केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स को इस्तेमाल करने की बजाय हमारे बताए हुए इन घरेलू उपचारों का ही इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।